जय श्री कृष्णा। कृष्णा ट्विंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कि डीएम को, डिवाइन मस्कुलाइन को क्या साइंस मिलते हैं उनकी अवेकनिंग के दौरान, है ना। और कुछ साइंस डीएफ के भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएफ डिवाइन फेमिनाइंस को क्या होता है, हर जगह अपने डिवाइन मस्कुलाइन का नाम दिखने लगता है ना, उनका नाम दिखता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखने लगती है, नाम का उनके नाम का इनिशियल शो होता है। और यही साइन जब डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग शुरू होती है तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, उन्हें भी डिवाइन फेमिनाइन के बार बार नाम दिखाए जाते हैं यूनिवर्स के थ्रू। उनके डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी जो डीएफ से रिलेटेड रहता है वो सभी चीज़ें उन्हें शो कराई जाती है। डीएम को भी, डिवाइन मस्कुलाइन को भी, जैसे कि फेदर्स दिखते हैं, बहुत अलग अलग कलर के फेदर्स दिखते हैं, रेनबो भी दिखते हैं। बट क्योंकि वो उस टाइम इतना अवेकन नहीं होते हैं, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट ही हुई होती है, तो वो इन साइंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं, वो और अवॉइड ही करते हैं। हालांकि उन्हें साइंस दिए जाते हैं बट वो समझ नहीं पाते हैं ना। और डिवाइन नेक्स्ट क्या होता है साइन, डिवाइन फेमिनाइन की तरह डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो भी रातों को उठ उठ के बैठ जाते हैं, उन्हें भी नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है। और डीएफ जैसे ही, जैसे सोल शॉक में डिवाइन फेमिनाइन की फीलिंग्स रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में कभी कभी, और बहुत रोना आता है, इस तरह की सिचुएशन भी डिवाइन मस्कुलाइन की रहती है उनकी अवेकनिंग के दौरान। और नेक्स्ट साइन क्या होता है डीएम की अवेकनिंग का, कि उन्हें कैसा फील होता है अवेकनिंग के दौरान, उनको भी स्पिरिचुअलिटी जो है वो अच्छी लगने लगती है। इनिशियली जब वो अवेकन नहीं होते हैं या अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होती है तो उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। हालांकि वो स्पिरिचुअल होते हैं बट वो सरफेस लेवल पर ही होते हैं। लेकिन जो डिवाइन कनेक्शन होता है, यूनिवर्स क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, और अंतरात्मा से कनेक्ट होना क्या होता है, इंट्यूशन को फॉलो करना क्या होता है, वो उन्हें धीरे धीरे यूनिवर्स के थ्रू समझाया जाता है ना। एकदम से बहुत ज़्यादा उन्हें समझ नहीं आता है बट हाँ, यस, उन्हें धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और नेक्स्ट साइन क्या होता है उन्हें डिवाइन मस्कुलाइन को, डेजावूज उनको भी होने लगते हैं जैसे डिवाइन फेमिनाइन को होता है। डेजावूज क्या होता है कि जैसे कोई चीज़, कोई घटना होती है तो हमारा माइंड में ऐसे क्लिक होता है कि अरे ये घटना पहले भी कभी हो चुकी है, उन्हें ऐसा फील होता है, ऐसा रियलाइज होता है ना एकदम से। कोई भी चीज़ होती है या फिर कोई सामने से ऐसी चीज़ दिखती है या कोई नाम दिखता है तो उन्हें डिवाइन फेमिनाइन की याद दिलाता है, और उन्हें ये याद दिलाता है कि हाँ, ये पहले, ये वाली घटना या फिर ये वाला इंसिडेंट पहले भी कभी हो चुका है। तो इस तरीके से उन्हें डेजावूज उन्हें भी होते हैं। तो ये सभी चीज़ें वो तभी फील कर पाएंगे जब डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो डिटैच रहेंगी और अपनी एनर्जी अपने डिवाइन मस्कुलाइन को किसी भी तरीके से शेयर नहीं करेंगे ना, तभी डीएम अवेकन हो पाते हैं, तभी उन्हें ये सब साइंस यूनिवर्स के द्वारा दिए जाते हैं। जितना डिवाइन फेमिनाइन डिटैच रहेंगी डीएम से, उतना ही डीएम अपनी हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। और उतना ही स्पीडीली आप टेलीपैथिकली 5D में भी कनेक्ट हो पाएंगे। और नेक्स्ट क्या होता है डीएम की लाइफ में उनकी अवेकनिंग के दौरान, डीएम की लाइफ में जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, टॉक्सिक फ्रेंड होते हैं, इवन टॉक्सिक जॉब भी होती है जो कि कार्मिक जॉब होती है, जिसमें कि उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है, वो कर तो रहे होते हैं बट उन्हें वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है, और वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह की टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक कोई थर्ड पार्टी भी होती है तो वो भी रिलीज होती है धीरे धीरे ना। ये सभी चीज़ें डीएम की अवेकनिंग के दौरान होती है। और जब नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन
अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को फील कर पाती हैं, पिक कर पाती हैं, उनके इमोशंस को, उनके पेन को, वैसे ही सेम डिवाइन मस्कुलाइन भी उनकी अवेकनिंग के दौरान डीएफ से कनेक्ट टू फील कर पाते हैं। उनके उनके जो डीएफ के जो पेन होता है, डीएफ के इमोशंस होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं इमोशंस में, जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी डिवाइन मस्कुलाइन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में वो फील कर पाते हैं। और इसी तरीके से वो यूनिवर्स के साइन भी समझने लगते हैं, और यही वो टाइम होता है जब वो फील कर पाते हैं कि यस, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है जो कि सोल टू सोल है, और ये इसी जन्म का कनेक्शन नहीं है, इसी जन्म का बॉन्ड नहीं है, ये किसी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऐसा उन्हें फील होने लगता है। और ये तभी हो पाता है जब डीएफ जो है वो डिटैच रहती है, डीएम को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है, और डीएम की लाइफ से सभी टॉक्सिसिटी जब रिलीज हो जाती है ना, तभी वो जैसे ही टॉक्सिसिटी रिलीज होती है, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक एनर्जीज रिलीज होती हैं उनकी लाइफ से, वैसे ही धीरे धीरे डीएम जो है डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट हो पाते हैं 5D लेवल में, जिस तरीके से डीएफ रहती है। और नेक्स्ट साइन क्या होता है, क्या फील होता है उन्हें, क्या रियलाइजेशन होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान ही डिवाइन मस्कुलाइन को, उन्हें ये रियलाइज होने लगता है कि जिस डीएफ से वो भाग रहे थे अभी तक, जिस रियल लव से वो भाग रहे थे, और जिस रियल लव को छोड़कर वो किसी और पर्सन के पास या किसी भी थर्ड पार्टी के पास गए थे, तो वो कितना गलत डिसीजन था उस टाइम, क्योंकि उन्हें उस टाइम ये रियलाइज होने लगता है कि यही उनका सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन है, यही वो पर्सन है जो उनके, जिनके साथ वो इतना कनेक्ट टू फील कर पाते हैं, चाहे वो कितना भी रन कर ले, तो ऐसा रियलाइजेशन उन्हें होने लगता है। और जब ऐसा रियलाइजेशन होता है उन्हें डिवाइन मस्कुलाइन को, तो वो उस टाइम गिल्ट फील करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो डिवाइन फेमिनाइन से बात करना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली उनसे इस दौरान नो कांटेक्ट में ही कर दिया जाता है यूनिवर्स को, यूनिवर्स जो है नो कांटेक्ट में डाल देते हैं डीएम और डीएफ को, ताकि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग में कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि हम अगर बार बार डीएफ अगर डीएम के कांटेक्ट में रहेंगी तो वो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती रहेंगी, और डिवाइन मस्कुलाइन की जो क्या बोलते हैं अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हो पाएगी, है ना, इस वजह से नो कांटेक्ट में डाला जाता है, इसी वजह से सेपरेशन फेस जो होता है वो डाला जाता है। अदरवाइज हम सभी जानते हैं सेपरेशन जैसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज वी आर वन सोल। ओके, फिर जब ये सेपरेशन फेज जब खत्म होता है, यूनिवर्स जब डिवाइन टाइमिंग आने पर ये फेज, सेपरेशन का जो फेज होता है, नो कांटेक्ट का फेज खत्म होना शुरू होता है। कैसे खत्म होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन जो होंगे वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, करेंगे और धीरे धीरे बातें करेंगे, वो एकदम से आपसे आके ऐसा नहीं कह देंगे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ मैंने ऐसे किया, नहीं ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे आके आपसे ओपन अप होंगे, क्या वो फील करते हैं, क्या उन्होंने गलतियां की, क्या उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो सभी चीजें वो आपके साथ शेयर करने लगते हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ। बट ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि डीएम तब भी खुद वो बातें करेंगे आपके साथ, शेयर करेंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद आप पर इतना फोकस ना करे उस वक्त जितना वो आपके, वो उस वक्त भी हो सकता है कि वो अपने जॉब पर, अपने अबंडेंस पर, अपनी मनी मनी पर ही फोकस रहे, है ना, खुद पर ही फोकस रहेंगे वो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनकी भी हीलिंग चल रही होती है, उनकी भी कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस चल रही होती है।
तो इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन को गलत नहीं समझना है, उन्हें सपोर्ट करना है। सपोर्ट इन द सेंस उनसे जाके बात नहीं करनी है, ये ऐसा नहीं करना है, उन्हें चेज नहीं करना है, बट हाँ इमोशनली उनके उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें उनके लिए प्रे करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, खुद को प्रोटेक्शन देना है, जर्नी को प्रोटेक्शन देना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद की भक्ति में खुद की भक्ति में लगे रहना है, नाम जप करना है। डिवोशन जितना ज़्यादा आप करेंगी, भक्ति जितना ज़्यादा आप करेंगी, डिवाइन से जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहेंगे डिवाइन फेमिनाइंस, तो उतना ही स्पीड अप आपके डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग्स फास्ट होगी। ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन आने पर भी आप पर उतना फोकस ना करके खुद पर ही फोकस है, तो आपको भी उसमें डेस्परेट नहीं होना है कि वो आए हैं तो बात नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, पहले की तरह बातें नहीं हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एकदम पहले की जैसे सिचुएशंस बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि पहले जब आप मिले थे, तब जब आप साथ थे, तब वो अन अवेकन थे और आप भी उस वक्त अन अवेकन थी, बट अभी आप भी अवेकन हैं और वो भी अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ आप डेस्परेट ना हो रीयूनियन के लिए, उनसे पहले की तरह एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपको अपनी जर्नी पर, अपनी भक्ति पर, अपने इनर वर्क पर, अपने डिवोशन पर उतना ही और बल्कि और ज़्यादा डेडिकेट होकर काम करना है ना? और आपको इस वक्त भी आपको सेल्फ लव पर ही फोकस करना है, और सेल्फ लव पर फोकस करते हुए आपको कंटिन्यू यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, डिवाइन को थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है कि वो आपको इस स्टेज तक लेकर आए, आपके आपको ये जर्नी प्रोवाइड करी, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की, ईश्वर से जुड़ने की, ईश्वर को प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की जर्नी दी, जिसे आप और आपके डिवाइन मस्कुलाइन दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। ओके, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको उतना ही मिस करते हैं जितना आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते हैं, बट वो आपको उनसे ये सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से वो अपने अपनी अपने हीलिंग पे फोकस्ड हैं, खुद के अबंडेंस पे फोकस हैं, खुद के फास्ट कर्मा रिलीजिंग पर फोकस्ड हैं, वो भी उतना उतना ही फोकस्ड आपको भी रहना है। ये बात आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन से सीखनी चाहिए कि कैसे खुद पर फोकस्ड रहना है ना? खुद पर फोकस्ड रहना है, रहते हुए हमें डिवाइन से कनेक्ट रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे डिवाइन मस्कुलाइन क्या फील करते हैं उनकी अवेकनिंग के दौरान। तो ये आपको ये मैंने आपको इसलिए शेयर किया है ताकि आपको भी पता रहे कि क्या आपके सेपरेशन के दौरान क्या चलता है जो हमें नहीं पता होता है, जो बैक ऑफ द चलता रहता है लेकिन हमें नहीं पता। यूनिवर्स कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं हमारे यूनियन की तरफ। ओके, तो आपको डेस्परेट नहीं होना है, खुद पर काम करना है और खुद पर फोकस रखना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, आपको कंटिन्यूअसली धन्यवाद देना है। ओके, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू।